देख रहे हैं पुलिस की आवाज न्यूज, क्राइम का खुलासा। दहेज लोभी भेड़ियों ने ली एक और जान। ये पूरा मामला जनपद हमीरपुर की चिकासी थाने का है, सिकरोदा गांव का है, जहां पर दहेज के लालची भेड़ियों ने एक बेगुनाह लड़की की जान ले ली। आपको बता दें कि 4 साल पहले भारती पुत्री स्व वीरेंद्र राजपूत की शादी सिकरोदा गांव के मुलायम राजपूत के साथ की थी। अपने हिसाब से खूब दान दहेज दिया था, लेकिन दहेज के लोगों ने शादी के उपरांत थी 4 लाख और 4 व्हीलर गाड़ी की मांग करने लगे थे। आए दिन मारपीट करते रहे, जिसकी शिकायत निरंतर आती रही और गांव में ही पंचायत बुलाकर सामने मामले को सुलहनामा कराते रहे। लेकिन इन दहेज लोभी भेड़ियों ने बेकसूर लड़की को जहर खिलाकर आज हत्या कर दी। एक तरफ सूबे के योगी सरकार बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा लगाती है, वहीं पर दहेज लोभी भेड़िए दहेज के लालच में सूबे के मुखिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मंसूबों पर पानी फेरते नजर आ रहे हैं। अब देखना यह है कि आखिर इन हत्यारों पर कब तक कार्रवाई की जाती है। सुनील राजपूत है, मैं हरसुंडी गांव का निवासी हूँ। मेरी भतीजी थी जिसका नाम भारती था, उसकी शादी 4 साल पहले सिकरौदा गांव में की गई थी और तभी से ये लोग है उसके साथ मारपीट करते रहे हैं। 3 बार मारपीट की और हमने पंचायत बैठवाई, तभी सुलहनामा हुआ और आज इन्होंने मारने की प्लानिंग की है। इन्होंने अपने घर से पूरा सामान इधर उधर कर दिया है और आज जहर फैलाकर इन्होंने उसे मार दिया है। हम चाहते हैं कि दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और ऐसे दोषियों को, दहेज लोभियों को बिल्कुल न बख्शा जाए। यही सरकार से गुजारिश है, जिससे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ वाला अभियान बरकरार रहे।